दिखाओ, रोके दिखाओ इनका, इधर इधर इधर। अब मुझे यहाँ पे खड़े खड़े 15 मिनट हो चुके हैं, पर एक भी ऑटो वाला नहीं दिखा अभी। आप पता नहीं, तो मैंने यार इसमें 150 रुपये का रिचार्ज कराया, मैंने इसका जरूर यूज़ करना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम जो रहा हो रहा 6:50 सुबह के, और भाई मेरा मन नहीं था आज, मैं हूँ छुट्टी पे, रीज़न बताऊँगा अभी आपको आगे। पर हमारी ये है ना, ये मटको देखो, अब जैसे शांत पड़ी है। हाँ भाई, देख रही हो मोबाइल की तरफ ही। ये रात सुबह को रोज 3 बजे से उं, 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 ओ भाई नींद हो जाती है बिल्कुल ही, पता नहीं इसका क्या आदत है। रोज रात को मतलब सुबह को 3 बजे उठेगी और अब 7:30 बजे तक जगी रहेगी, रोती रहेगी रोती रहेगी रोती रहेगी रोती रहेगी। और अब देखो कैसे मस्त पड़ी है, चाचा को उठा के, पापा पे तो तुम्हारे सर पड़ता ना बेटा, वो तो कुंभकर्ण है। चलो सो जाओ, बहुत देर हो गई। A few moments later. दिखाओ, रोके दिखाओ इनका, इधर इधर इधर। ले बेटा देखियो, ऐसा पूरी रात झटके ब्रेक ले लेकर रोती रहेगी पूरी रात भर। मारू सर, तीन कर रहा हूँ, मार दी मार दी। तो चलो अभी टाइम जो हो रहा है 8:10, और हमारी देखो मटको को, मटको मटको देख देख दे देख रहा है। ये 7:30 बजे सोई, मम्मी ने गोदी में चुपका के सुला रखा था, जैसे ही मम्मी ने कोशिश करी ना पालने में डालने की फिर उठ गए। अब मस्त पड़ी है, नंगो नंगो बाबू। चाचा देख रहा, देख ना चाचा देख, कैमरा सा ये थोड़ी ए देखो, अभी देखेगी, अभी अभी मैं रियर कैमरे से करूँ ना, इस वजह से देख नहीं पाती, जब फ्रंट से देखूंगा तो अपने आप को देख के ही देखूँ। अब देखो अब देखेगी यार, देख रही है पैसा ना, देख दिया देख रही। चलो, और आज तो बाहर का ही बढ़िया वाला मौसम हो रहा है, सो वैसे ही बारिश पर बारिश पड़े जा रही है। और आज मैंने रखी छुट्टी, छुट्टी क्यों ले रखी है कि आज मेरे को जाना है धूलमूल दीदी के घर पे। कहाँ है ये मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा, किसी के घर का एड्रेस नहीं बताऊँगा, बस हाँ दिल्ली में है, तो दिल्ली जाना है। पहले प्लान ये था कि मैं जाऊँगा अनुज के साथ, वो हापुड़ से आएगा, उसने बोला था कि भाई मैं आ जाऊँगा, मेरे साथ चल देना बाइक में, ठीक है। पर लेकिन जिस हिसाब से अभी बारिश पड़ रही है सुबह से, तो मुझे लगता नहीं हम बाइक से जा पाएंगे, तो अभी देखते हैं जो भी होगा। अभी तो टाइम है वैसे जाने में, अगर मौसम खुलेगा तो मैं उससे बोल रहा हूँ मैंने भाई बाइक लेकर आ जा, अदरवाइज़ अपना मेट्रो से चलेंगे। पहले ही मेरा प्लान मेट्रो से था, वो तो कल रात उससे बात हुई, कहना नहीं तुम मेरे साथ चलना, छोटा भाई यही वो बराबर का मुझे पता नहीं, पर भाई है। तो लेट्स सी देखते हैं कैसे क्या प्लान है, आपको अपडेट मिलती रहेगी। और बाकी उनके घर का तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा यार, बस जाएंगे दिल्ली ये देख लेना, मेट्रो में जाएंगे तो मेट्रो से दिखा दूंगा, बाइक से जाएंगे तो बाइक से दिखा देंगे, ये अभी नहीं ऐसा यार किसी घर का डिस्क्लोज नहीं कर सकते कुछ है। हाँ तो अभी जो है टाइम हो रहा है 9:39 एग्जैक्ट, और अभी मम्मी भैया भाभी और हमारी मटको गई हैं डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए, मटको के तो भैया के साथ ही निकल गए क्योंकि ऑफिस टाइम आ रहा, भैया उनको वहाँ पे छोड़ के डॉक्टर के पास निकल जाएगा ऑफिस के लिए सीधा, फिर वो लोग वापस आ जाएंगे कैब से, और जब वो लोग वापस आएंगे उसके बाद मैं निकलूँगा दीदी के यहाँ के लिए। तो जब तक हम एक काम करते हैं, क्योंकि आज जैसे कि बारिश पड़ रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है कि हमारी जो काम वाली आंटी हैं वो नहीं आने की, तो ये सारा काम अब हम मतलब कि वैसे तो वो झाड़ू पोछा करती हैं, तो मैं पहले ये ऊपर की सफाई कर देता हूँ, अगर जब तक मम्मी नहीं आई तो फिर मैं पोछा ओछा भी लगा दूंगा। पर मेरे को लग रहा है कि अपॉइंटमेंट जो 9:30 बजे की थी, हम बस 10 मिनट लेट है, तो जो भी होगा तो फटाफट से ये सारी सफाई करनी है, ये सारी कुछ ज़्यादा फैला फैला सा लगा हुआ है, तो इस चीज़ को हम जब तक कर देते हैं साफ़, क्योंकि अब लकीली लाइट भी आ चुकी है, सुबह से लाइट भी नहीं थी, तो मैंने कि चलो अब काम करते हैं तेज़ी से, जब तक वो आएंगी उनको एक सरप्राइज़ मिलना चाहिए। 1 hour later मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, ये मेरे को रोस्ट करना चालू कर दी। तो चलो अभी फिलहाल हो चुके हैं तैयार, आउटफिट ज़्यादा कुछ खा है मेरे बना तेरी रिकॉर्डिंग नहीं, यही कर देंगे यही कर देंगे। मैं बोल ही नहीं रहा कि मेरा आउटफिट आज नॉर्मल है, मैंने मन में इतनी देर से लाइन रट रहा था कि ये लाइन, अरे यार
कोई नहीं, आप देखो नॉर्मल आउटफिट है, वाइट शूज है, एक ही जोड़ी जूते हैं जो आने जाने में हम ज़्यादा पहनते हैं, बाकी तो ऑफिस के चक्कर में सारे बर्बाद कर दिए बैडमिंटन खेलते खेलते। और चेक की शर्ट स्मार्ट तो तुम्हारा भाई पहले से, बस थोड़ा सा काला हो चुका है। ये सब लोग भी वापस आ गए हैं। और ये देखो सुबह 3 बजे से रोती रहती है, अब सो रही है। बेटा मत को मस्त सो रही है मस्त। तो बस अभी फ़िलहाल निकलते हैं, 11:40 टाइम हो रहा है, तो पहुंच जाएंगे 1 बजे तक। यहाँ से पहले तो ऑटो मिल जाए, बारिश पड़ रही है ये भी दिक्कत है, जल्दी से निकलते हैं। तो अभी यार निकल तो आए, लेकिन अभी भी ना झरना पड़ रहा है हल्का हल्का, जैसा कि आप देख सकते हो शर्ट पे गीली हो गई, मिनट में, एक मिनट नहीं हुआ मुझे घर से निकले हुए। तो देख लो दीदी हाउ मच आई लव यू, आई नॉट आई ओनली वी लव यू। दीदी से मिलना है, चलते हैं, रीज़न कुछ और है पर चलो काफ़ी दिनों बाद दीदी से मिलेंगे, शादी के बाद हम मिले, मार्च में मिले थे हम लास्ट, उसके बाद मैं अब मिलूँगा दीदी से, उसके बाद बीच में भी आई पर लेकिन टाइम नहीं मिला उनसे मिलने का, मैं जा नहीं पाया था हापुड़ में। चलो अब मिलेंगे, बहुत दिन हो गए। चलो अभी तो फिलहाल जो है बारिश हो चुकी है थोड़ी धीमी, वो तो अच्छा हुआ मेरे को ना सोसाइटी में तुरंत ही ऑटो मिल गया, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ टाइम से, अब बस यहाँ से और ऑटो मिल जाए तो चलते हैं 62। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक बार ना यस सर पूछ लेता हूँ कि भाई तू सीधा 62 आएगा या फिर आदित्य अवल सिटी आएगा, तो पहले उससे कन्फर्म कर लेते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं आगे का। जैसे तो अभी मेरी बात यस से हो चुकी है, यस ने बोला है भैया अभी तो हम हापुड़ से निकले ही नहीं है। मैंने बेटा तुम्हें पहुँच, हम लोगों को पहुँचना 12 बजे था, कह रहा भैया अब क्या करता। मैंने उनसे बोला मैंने तुम सीधा दीदी के यहीं मिलना, मैं सीधा वहीं पहुंचूंगा मेट्रो से। वो दोनों बाइक से थे, पहले प्लान ये था कि वो पहले हमारे घर पे आते फिर यहाँ बाइक खड़ी करते फिर साथ में जाते हैं मेट्रो से। मैंने अब तुम सीधा घर ही पहुंचना वहाँ। अब मुझे यहाँ पर खड़े खड़े 15 मिनट हो चुके हैं पर एक भी ऑटो वाला नहीं दिखा, अभी आप पता नहीं टाइम लग जाए, मुझे लगता है यस और मैं साथ में पहुँचेंगे भले ही वो हापुड़ से निकले हूँ ना निकले हूँ। चलो गाइस अभी फ़िलहाल 62 पे तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि मैं बाय रोड जाऊँ या मेट्रो से जाऊँ, क्योंकि दीदी का घर जो है बाय रोड जाऊँगा मैं अगर तो उससे ज़्यादा पास में पड़ेगा, पर मैंने किया मेट्रो से चलते क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है, अगर बारिश हो गई ना तो ऑटो में जाना पड़ेगा और ऑटो वाले ना लड़कों को हम जैसों को तुरंत ही आगे बिठा लेते हैं कि भाई आप आगे बैठे हो, तो जाते हैं उसमें पूरे गीले। नहीं चलो मेट्रो से चलते हैं, वाई सो आई टेक रिस्क। और अगर बारिश ना भी पड़ रही होती तब भी आज मैं मेट्रो से ही जाता, क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई के पास है आज कार्ड, तो मैंने यार इसमें 150 रुपये का रिचार्ज कराया, मैंने इसका जरूर यूज़ करना है अभी, लेकिन जाके चेक भी करना है कि रिचार्ज हुआ भी है नहीं, तो बैलेंस भी चेक करना, हो सकता है भाभी का कार्ड है मेरा नहीं है तो ये माइनस में जा चुका हो, तो जो मैंने पैसे डाले वो माइनस में चले गए हों, पता चला मुझे वापस से मुझे टोकन ही खरीदना पड़ा, जो भी है। पर आज तुम्हारा भाई कार्ड है, आज तुम्हारा भाई राजा है इस दुनिया का, मेट्रो से जाएगा कुछ भी हो जाए, आज मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा टोकन लेने की, अगर इसमें माइनस में ना गया होगा बैलेंस तो, अदरवाइज़ मुझे फिर से टोकन लेना पड़ जाएगा गाइस। मेरी सारी जितनी मैंने बड़ी बड़ी बातें तो बोली है ना सब खत्म हो जाएंगी। लेट्स सी, देखते हैं वह देखते हैं पहुँच के कैसे क्या सही ना, मस्त मौसम हुआ पड़ा यहीं पर बराबर में, थोड़ी सी दूर डेर जाके मेरा ऑफिस है। कल मैंने वैसे बोला था सर मैं हाफ डे से आ जाऊँगा फिर, लेकिन सर ने बोला नहीं तुम पूरे दिन की छुट्टी ले सकते हो, मैंने ओके दैट्स गुड फॉर मी।